मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के सवालों पर शर्म आती है, ऐसे समय में उन्हें सेना के हौसला अफजाई करना चाहिए, लेकिन वो भारत की सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम ने यह भी बयान दिया है कि बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया है। वहीं जगन्नाथ यात्रा पर पन्ना में रोक लगाए जाने को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि सभी को कोरोना काल में ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा भीड़ नहीं हो, लेकिन परंपरा को तोड़ा नहीं जाएगा, परंपरा हमेशा चलती रहेगी। विभिन्न बात कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री उस्मानाबादी के उपरांत दृष्टि से प्रदेश कार्यकर्ता के प्रमुख आदरणीय स्वामी एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है। वो भारत के नागरिक हैं, सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। आज हम सब लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे देश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा दिन है कि जिस दिन के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 हटाने के लिए बलिदान किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृहमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने संकल्प जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था वो भारतीय संसद में पूरा करके एक भारत के अंदर इतिहास बनाया है।